हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीफेक्ट चैनल पर। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, 1969 में सर रॉबर्ट विटेकर, जो कि एक बहुत फेमस जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने सभी जीवों को पांच वर्गों में बांटा। इस वर्गीकरण को ही हम पांच जगत वर्गीकरण के नाम से जानते हैं, जिसमें फर्स्ट किंगडम है मोनेरा। अर्थ में पाए जाने वाले सबसे प्राचीन ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम के अंदर ही आते हैं। ये सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी सिंगल सेल्ड होते हैं, और इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये मोनेरा किंगडम में शामिल है। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी सिंगल सेल उनमें पाई जाती है। और ये मोनेरा से इस तरह अलग है कि इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी ये यूकैरियोटिक्स होते हैं। इसके कई मेंबर्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया जिनमें होती है, और अपना फूड ये खुद बना लेते हैं, और कुछ एनिमल्स लाइक बिहेवियर भी प्रदर्शित करते हैं, यानी उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। डायटर्म्स एल्गी, यूग्लिना, एमीबा, पैरामीसियम और प्लास्मोडियम, ये कुछ एग्जांपल है प्रोटिस्टा के। नेक्स्ट किंगडम है माइकोटा, जिसे किंगडम फंजाई भी कहा जाता है, और हिंदी में इसे कवक कहा जाता है। यीस्ट, मशरूम, मॉल्ड्स इसके एग्जांपल हैं। फंजाई की बॉडी में जो नीचे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं हाइफी। और ये जो कवक होते हैं, ये सहजीवी या परजीवी, पैरासाइट या सिम्बायोटिक होते हैं। नेक्स्ट किंगडम है मेटाफाइटा, जिसे प्लांटी भी कहा जाता है, और इससे हम भली भांति परिचित है। जी हाँ, हमारे आसपास पाए जाने वाली सभी प्रकार की वनस्पति किंगडम प्लांटी का हिस्सा है। यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये, यानी न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल्युलोज की सेल वॉल पाई जाती है, और क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस किंगडम के प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। फाइनली हम उस किंगडम पर पहुंच चुके हैं जिसका हिस्सा हम खुद हैं, यानी कि किंगडम मेटाजोआ, यानी किंगडम एनिमेलिया। सारे ही जीव, सारे ही एनिमल्स इसमें आते हैं। ये मल्टीसेल्युलर होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की सेल्स से इनका शरीर बना होता है। ये यूकैरियोटिक होते हैं। सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन इनमें पाई जाती है, और टिश्यूज और ऑर्गन्स इनमें विकसित होते हैं। और ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपने भोजन के लिए ये प्लांट्स पे या दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। द समरी इज हियर। रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया था, और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द कैटेगरीज ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, मेटाफाइटा एंड मेटाजोआ। सो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।